सत श्री अकाल जी। यूट्यूब चैनल स्टडी पंजाबी तुहाडा सारा का स्वागत है जी। अज आप गल करेंगे इस वीडियो के ईटीटी जी 5994 दी पोस्टां ने उहदे विच गल करेंगे भी कदों अपने कोल जिहड़ी अपने कोल सिलेक्शन लिस्ट आऊगी ते जिहड़ियां पोस्टां नेगियां बैकलॉग दियां उह डी रिजर्व होणगियां जां नहीं। ठीक है जी, आप इस वीडियो के सारिया गलों नूं अज क्लीयर करांगे। देखो जी, पहला तो हर एक दे माइंड दे विच पहला यह गल आउंदी सीगी कि जिहड़ियां ईटीटी 5994 दीआं पोस्टां नेगियां वो डी रिजर्व होणगियां जां नहीं। अपने वो एक वीडियो के थ्रू विद प्रूफ गल करी सी ते वो अपने सारे का जो डाउट सीगा वो क्लीयर करता। तो फिर भी काफ़ी दे कमेंट आए हुए थे कि सर जिहड़ियां 2994 बैकलॉग दीआं पोस्टां ने वो भी डी रिजर्व होणगियां जां नहीं। तो आप इहदे बारे गल करांगे जी कि जिहड़ियां 2994 पोस्टां नेगियां वो डी रिजर्व होणगियां जां नहीं। उस तो पहला आप एक गल करांगे भी जिहड़ी अपने कोल इह सिलैक्शन लिस्ट आ गई प्रोविजनल सिलैक्शन लिस्ट होगी ईटीटी 5994 दी वह कदों आऊगी। ठीक है जी, आप अज दोवें गल्लां नूं क्लीयर करांगे। उस तो पहला देखो जी आप एक गल करदे हां कि टोटल पोस्टां किन्नियां ने जी 5994 इहदे विचों 3000 फ्रैश पोस्टां ते 2994 पोस्टां किन्नियां बैकलॉग दीआं ने। जिहड़ा बैकलॉग हुंदा उहदे विच मैक्सीमम पोस्ट हुंदियां ने एक्स सर्विसमैन दी हर एक कैटेगरी दे विच ला के चल पो जनरल होवे चाहे बीसी होवे एससी होवे। ठीक है, सारे कैटेगरी दे विच। ठीक है जी, हुण आपां गल करदे हां देखो जी भी जिहड़ी इहदी लिस्ट आ गई सिलैक्शन लिस्ट कदों आऊगी। पहला तो देखो जी जिहड़ी काउंसलिंग का प्रोसैस आ फिलहाल चल रहा जी तो वो लास्ट डेट कि 4/8/2023 मतलब कि 4 अगस्त 2023 लास्ट दिन हैगा काउंसलिंग का। ठीक है जी, तो उस तो बाद इन्होंने डिपार्टमेंट का एक काम होंगे जी, इन्होंने तुहानू एक या दो बार एक होर मौका देंगे, एक या दो बार मौका देंगे जिहड़े एबसेंट रह जाएंगे कैंडीडेट इन्हां हुण तक दे जिन्ने भी आह स्क्रूटनी हो चुकी ने चाहे जनरल दे विच होवे चाहे बीसी दे विच जिहड़ी इन्होंने पूरी लिस्ट पाई हुई सी उहदे विच कोई भी किसी भी कैटेगरी दे विच जिहड़ा भी कैंडीडेट एबसेंट रहिंदा उन्हां नूं एक बार इह मौका देणगे डिपार्टमेंट वल्लों इन्हां नूं मौका दित्ता जाऊगा ते बकायदा उहदा एक पब्लिक नोटिस आऊगा ऑफिशियल साइट दे उत्ते। ठीक है जी, उस तो बाद इह जिहड़ा मौका दित्ता जाऊगा 4 तो लैके 7 दिन ला लो 11 तरीक तक मतलब 11 अगस्त तक एबसेंट कैंडीडेट नूं बुलाया जाऊगा चाहे 11 नूं बुला लैन चाहे वह 5 नूं बुला लैन चाहे वह 8 नूं बुला लैन चाहे 10 नूं मतलब 11 तक एक या दो दिनों दे विच इन्हां नूं बुलाया जाऊगा जिहड़े रहणगे एबसेंट। ठीक है जी, उस तो बाद फिर इन्होंने जिहड़ी लिस्ट पाउणी आ जिहड़ी पहली प्रोविजनल सिलैक्शन लिस्ट आऊगी देखो किन्ने कैंडीडेट दी आऊगी इह तुहानूं पहलां दस दित्ता आपां इक वीडियो दे विच ते जे आऊ कदों आपां जे चलीए जे आपां 11 तक मन के चलदे आं भी 11 तक जिहड़ा पूरा इहदा काउंसलिंग दा प्रोसैस खत्म हो जू उस तों अगले 7 तो लैके 12 दिनां दे विच प्रोविजनल सिलैक्शन लिस्ट इहदी आ जूगी जी। ठीक है जी, हर एक कैटेगरी दी पूरी प्रोविजनल जिहड़ी सिलैक्शन लिस्ट पहली सिलैक्शन लिस्ट वह आ जूगी मन के चलो 11 तो बाद आपां 7 तो लैके 15 दिनों का टाइम ले लो 7 तो 12 दिनों के वह आ जूगी। जे आप कुल मिला के गल करिए 11 के 12 एड कर दिए 23 अगस्त तक यदि प्रोविजनल सिलैक्शन लिस्ट आने के चांस बहुत ज्यादा ने। ठीक है जी, आप मन के चलो 23 तो लैके 27 के बच्चे। ठीक है जी, हूँ आप गल कर देंगे भी जिहड़ियां पोस्टां ने डी रिजर्व होणगियां जां नहीं किहड़ियां जिहड़ियां बैकलॉग दीआं ने। ठीक है जी, पहला आप गल करने देखो भी डी रिजर्व होणगियां जां नहीं। उस तो पहला एक मैं गल करनी सी देखो एक कैंडीडेट आ कोई चलो आप नाम नहीं शो कर है चलो हर एक दे माइंड दे विच हुंदा टेंशन हुंदी है कि जिहड़े भी कैंडीडेट का विच विचाले नाम पिया हुंदा जिवें जनरल दे विच 124 तक 22 तक बुलाए ने तो जिहदे 124 नंबर वह सोच रहा भी मेरा पहली लिस्ट च नाम आऊ जां नहीं। एवें एक कैंडीडेट सीगा कि इन्होंने कमेंट दे विच आपां नूं मैसेज करिया होया कि सर सुनिया गा कि जिहड़ी फ्रैश वैकेंसी हुंदी आ उह डिजर्व हो जांदी आ पर जिहड़ी बैकलॉग आ उह नहीं डी रिजर्व हुंदी। ठीक है जी, तो आपां इस गल दे उत्ते हुण आपां इह लैके आएंगे प्रूफ लैके आएंगे। देखो जिहड़ी बैकलॉग जिहड़ियां हुंदियां ने पोस्टां उह डी रिजर्व हुंदियां ने जी। इह बैकलॉग एक बार इन्हां ने देता सामने करता सारिआं दे ते हुण भी कैंडीडेट ना पूरे होए तां इह डी रिजर्व होणगियां। रीजन की आ देखो आपां इह भी लैके चलांगे ते प्रूफ भी लैके आएंगे। पहला देखो जी मास्टर कैडर की ना 2392 पोस्ट आई थी किनिया आई सी 2392 पोस्ट आई सी जी वो जेडे मैथ कैटागरी दियाँ पोस्टा वह है 545
95 ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀ ਸੀ 518 ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ 380। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 595 518 ਤੇ 380 ਇਹ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 899 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2392। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 1493 ਪੋਸਟਾਂ, 595 ਮੈਥ ਦੀਆਂ, 518 ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ 380 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਇਹ ਡੀਰਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਦ ਪਰੂਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 595, ਮੈਂ 595 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਬੈਕਲੌਗ 595। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਓ ਅੰਗੇਸਟ ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਓ ਈ ਐਸ ਐਮ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਓ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਓ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਓ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਓ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਆਰ ਓ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2392 ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।